हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग और गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल लिबोल का, आर्क ड्रैगन हंटो का। सो गाइस, आर्क ड्रैगन हंटर का जो पिछला एपिसोड था उसमें आप लोग ने देखा होगा कि जो स्पाइनो बॉस था, जो कि गाइस यहाँ पे टायर वन का जो बॉस होते हैं ना गाइस, उसमें फाइनल बॉस था, उस बॉस की बैंड हम लोग ने जो ना गाइस वो यहाँ पे पिछले वाले एपिसोड में बजाने का काम जो है ना गाइस वो करा था। और गाइस अभी आज के इस वाले एपिसोड में ना हम लोग गाइस यहाँ पे क्या करने वाले बताए गाइस, सबसे पहले आज का एपिसोड जो है गाइस उसका गोल ये रहेगा कि हम लोग जाके उस बॉस को टेम करें, एंड उसके बाद हम लोग और काफी सारे अलग अलग डायनोज और गाइस मॉन्स्टर से फाइट लेने वाले और काफी मजे करने वाले। बाकी गाइस ये करप्टेड वाला जो सूट है, जो गाइस मेरे यहाँ पे बॉडी के साथ भाई एकदम मर्ज हो चुका है, ये करप्टेड वाला टेक सूट आपको कैसे लगा जरूर बताना यार नीचे कमेंट करके। और आज का जो एपिसोड है यार वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गाइस आपको गेमिंग विद और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की, सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है गाइस वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पे जो कि लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो सर्वर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और गाइस यहाँ पे ना नीचे गेमिंग विद आनी के चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, जिनके चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जल्दी होने वाले, तो अगर अभी तक आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद आनी के चैनल का, वहां पे हमारी काफी सारी वीडियोज आती रहती है, वैसे अगर आपने देखने तो जाके देख लेना। बाकी देखो अभी आज का ये वाला जो एपिसोड है ना, पर रुको इसमें फ्यूल बिल बन रहा है क्या कुछ, नहीं ना तो इसको बंद कर लो, ये कुछ ज्यादा ही लाउड आवाज करता है। तो गाइस देखो हम लोग ने पिछले एपिसोड में जो स्पाइनो बॉस मारा था उसका टेमेबल वर्जन हमारे पास स्टिल यहाँ पे पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम रहेगा कि स्पाइनो को हम लोग ना यहाँ पे टेम करें। बात रही गई टेक वाले सूट की, तो रुको गाइस कोई खाली है क्या बक्सा, ये जो आखिरी वाला खाली बक्सा है इसके अंदर ना मैं जो अपने भाई पुराने वाले टेक सूट है ना गाइस उनको यहाँ पे डाल के रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गाइज ये अभी ऐसे पड़े रहेंगे क्योंकि मेरे पास भाई जो अपना बेस्ट वाला सूट है वो तो पड़ा हुआ है गाइज, इसलिए जो पुराने वाले हैं ना गाइज वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये वाला कौन सा वाला था, 1500 वाला, और ये वाला 3000 वाला है क्या, नहीं ये 1000 वाला है, ठीक है 1500 वाला दे दे, ये 1000 वाला जो है ना गाइज वो यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ भाई, ठीक है ऑलराइट, क्योंकि ये वाला सूट मैं भाई पहनूंगा कभी कभी बीच बीच में भाई लोग, ठीक है, और ये वाला भी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है चलो लेट्स गो। अभी गाइस सबसे पहले जाके मुझे उस स्पाइनो को टेम करना है, और स्पाइनो को क्यों टेम कर रहा हूँ बताए गाइस, देखो स्पाइनो की हेल्थ है भाई यहाँ पे बॉस वर्जन था उसकी 1.5 बिलियन हेल्थ थी, तो अगर हम लोग अभी जो स्पाइनो को टेम करेंगे उसकी अगर हेल्थ जो हमारा टेमेबल वर्जन है उसकी हेल्थ अगर 1 बिलियन से ज्यादा चली गई ना, तो यहाँ पे एक भाई म्यूजिक बज रही है भाई, ठीक है यहाँ पे ना ये देखो ये वाला एक रोबोट है जिसकी 1 बिलियन हेल्थ है भाई, तो मैं उस स्पाइनो को लेके आ गया ना पहले तो इस रोबो को मारूंगा जो कि एरोगेंट नाइट एमिली करके कोई, तो भाई एक रोबोट है खतरनाक सा, और इसको मार के ना ये वॉरियर आप बोल सकते हो, देखो भाई इसके अंदर से ना खतरनाक सी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये क्या करता है मुझे अभी तक पता नहीं चला, बट इसके भाई हाथ में ना एक खतरनाक सी स्वॉर्ड है, तो सबसे पहले जो ना कि मैं इसका गेम बजा डालूंगा उस स्पाइनो से। हाँ भाई साहब उसके पास जाने से ना ऐसे कॉपीराइट वाले जो गाने हैं ना गाइस वो एकदम जोर जोर से बजाना चालू कर देता है भाई ये रोबो, पता नहीं भाई क्या सीन है इस रोबोट का। चलो मैं अभी फटाक से ग्रीन ऑब्लिक पे चला जाता हूँ, एंड वहां पे ना हम लोग, अरे बस भाई मैं निकल गया वहां से, हाँ सो यहाँ पे हम लोग उस स्पाइनो को हमारी सबसे ज्यादा हाईएस्ट खतरनाक वाली जो गाइस क्रॉसबो है इसका नाम जो है ना गाइस वो है यहाँ पे थंडर पनिशमेंट। सो थंडर पनिशमेंट से मैं उस स्पाइनो को टेम करने की जो ना गाइस कोशिश करता हूँ, चलो आ जाओ फटाफट से ना थंडर पनिशमेंट से उस स्पाइनो को टेम कर लेते, पहले तो उस स्पाइनो को मैं भाई यहाँ पे ना बाहर निकाल लेता हूँ भाई, ठीक है रेडियो, अरे इसमें तो भाई जूते में भी वो लगाओ भाई क्या, ये वेट लिमिट गाइज, ओ
इसमें जूते में भी गाइस वो लगा हुआ है, मतलब पहले जो हम लोग को भाई नीचे गिरने से फॉल डैमेज नहीं पड़ता था, अबे वो फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो भाई नया वाला फाइनल वाला टेक सूट मिला है उसका जूता जो है ना गाइज उसमें भी वो लगे हुए भाई, ठीक है, शॉक एब्जॉर्वर लगे हुए हैं। सो हम लोग अगर नीचे गिरेंगे तो हमको फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा, काफी बढ़िया बात है। चलो अभी गाइज टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करने का, अपन फटाक से यहाँ पे स्पाइनो को स्पॉन कर लेते हैं। इन 1 2 3 हियर वी गो, लेट्स गो। संभल के बेटा, संभल के बेटा, 22 मिले ना। अरे भैंस की आग भाई, अरे भाई अटैक कर उससे पहले, संभल के बेहोश कर डाल इसको। अरे पहाड़ी वाला अटैक तो कर दिया उसने, अरे पड़ गया मेरे को डैमेज भाई, डैमेज पड़ गया मेरे को भाई, दग दग होना चालू हो चुका है। बट भाई मैंने टाइम रहते उसको कहीं यहाँ पे बेहोश तो कर दिया है भाई, ठीक है। और संभल के, संभल के, संभल के भाई, इसके पानी वाले फटके का डैमेज तो पड़ा भाई, देख रहे हो किस तरह से भाई। रुको, ये टेक सूट का भाई ग्लिच हो गया भाई, वो ये टेक सूट का ग्लिच नहीं है, ये पानी का आवाज आ रहा है, इन फवारों का आवाज आ रहा है भाई। इस स्पाइडो की एबिलिटी काफी खतरनाक वाली है यार, मुझे वैसे इसको टेम करने के लिए ना ओल्ड बनाना है भाई, ओल्ड वाला टेमेबल जो फूड होता है वो बनाना है। अभी ये जो टेमेबल फूड है ओल्ड वाला, वो बनाने के लिए क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेस है भाई? पता नहीं यार, घर पे जाके देखता हूँ, चलो बोल नहीं सकते क्या इसकी रिसोर्सेस है कि नहीं, ठीक है। भाई लोग क्या मैं ओल्ड बना सकता हूँ? ओल्ड 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 तो ये रहा ना, ओल्ड नहीं तो मिते, ये तो ओरिजिनल है और ये ओल्ड है। ओल्ड को बनाने के लिए मुझे, अरे यार ओरिजिनल सीन सील चाहिए। अभी मेरे को कोई ये बताएगा कि ओरिजिनल सीन सील जो है ये कहाँ से मिलेगी मेरे को? मेरे पास जो चीज़ें हैं, अबे यार रुको, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लो भाई, इसके अंदर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ओरिजिनल सील, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस। ओरिजिनल सील, डार्क एंजल हक क्विकली हैच फर्टिलाइजर रहेगा, यूज स्टोरेज स्पेस। भाई मैं ओरिजिनल सीन सील कैसे बनाऊंगा? ये मुझे एक बात बताओ भाई, इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि मुझे इस रोबो को मारना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर जो ना गाइस कुछ तो कैप टॉप रोबो की तरह कुछ बना हुआ है। रुको गाइस एक काम कर लेता हूँ, मैं जो सामने भाई 1 बिलियन हेल्थ वाला रोबो बॉस है ना उसकी बैट बजाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं गाइस कि उसको मारने से हम लोग को जो चीज़ चाहिए थी वो मिलेगी कि नहीं, बट हम लोग ट्राई करते हैं क्योंकि गाइस अगर मैं भाई वो ओरिजिनल सील भाई जो भी चीज़ है वो अगर ढूंढूंगा नहीं ना तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डेम ओल्ड वाली चीज़ है, ठीक है, और मुझे अभी ओल्ड वाले काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को टेम करना है, ठीक है। रुको मैं काम कर लेता हूँ, मेरे मैग्नासोर बॉस को यहाँ पे लेके मैं उस भाई बॉस की बैंड बजाने के लिए निकल लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भाई वो बना ले हील, एपीएमके वाले हील बना ले क्योंकि उस बॉस की भी 1 बिलियन हेल्थ है और मुझे पता नहीं उसका डैमेज कितना तगड़ा वाला पड़ेगा, और मैं यहाँ पे फ्री फंड में जो ना कहीं मरना तो नहीं चाहता हूँ, ठीक है। रुको मैं थोड़े से हीलिंग पोशन बना लेता हूँ यहाँ पे, और हम लोग जो ना कहीं इस 1 बिलियन वाले रोबो से जो ना कहीं यहाँ पे फाइट लेने वाले। अभी पता नहीं कहीं कि उसको मारने से मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी या नहीं, बट स्टिल ट्राई कर लेते। रुको मैं गेम का आवाज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि बॉस फाइट में कुछ ज़्यादा गेम का आवाज़ जो है ना गाइस लाउड हो जाता है। चलो आ जाओ भाई, यार ये मॉड तो है भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन गाइस हम लोग धीरे धीरे करके एकदम फुल टू पावर में आ रहे हैं। ये रहा गाइस वो बॉस भाई, ठीक है, ये रहा वो बॉस, और इसको मारने से मे भी हम लोग को सील बिल जो भी चीज़ है वो मिल जाए भाई, ठीक है। एक लेवल का ये 1 बिलियन हेल्थ है, लेकिन 1 लेवल होने के बावजूद 1 बिलियन हेल्थ है बेस की आग भाई। मजाक कर रहे हो क्या? मैं निकाल रहा हूँ गाइस यहाँ पे अपने मैग्मासोर को। मैग्मासोर भाई मचाओ फुल टू द भाई, लेट्स गो मैग्मासोर सर। रुको इसके नज़दीक जाके ना पहले तो फुल चार्ज करता हूँ अपने आप को और उसके अंदर घुस के फुल चार्ज वाला अटैक दे देता हूँ। मुझे दे दिया, क्या हुआ? अबे तो वॉरियर बन गया उड़ी बाबा। अरे उड़ी बाबा हेल्थ डाउन क्या कर रहा है रे? अरे कोई इसको मार दे, मार दे, मार दे इसको, मार दे इसको, मार दे भाई इसको, मार दे भाई 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 डैमेज है मचा के भाई अंकल का। बाप रे देखो, अरे नहीं 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 हीलिंग पोशन खाते रे, हीलिंग पोशन खाते रे। आई कैन डू इट भाई, अपने आप को क्या वॉरियर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है भाई। हीलिंग पोशन, हीलिंग पोशन, हीलिंग पोशन, हीलिंग पोशन, हीलिंग पोशन, कम ऑन कम ऑन मैग्मासोर, यू कैन डू इट मैग्मासोर सर, यू कैन डू इट भाई। बाप रे मैं भाई माउस यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका डैमेज ना उस स्पाइनो से भी ज़्यादा है। इसकी आग
कम ऑन डालते रे हीलिंग पोशन पीते रे भाई। अरे अरे ये वाला अटैक मेरे बैट बचाने का, हीलिंग पोशन पीते रे। मर गया मरने में जमा आखिरी अटैक। अरे वो इसकी आग, क्या वॉरियर था ये। उड़ी बाबा, हाँ भाई मिल गई फाइनल। मुझे लगा ही था कि इसी के पास ओरिजिनल ये सील मिलेगी, प्लस उसका मुझे टेमेबल वर्जन और उसका आर्मर भी मिला। स्कारलेट, व्हाट द हेल, इसने मुझे डायरेक्टली स्कारलेट क्रॉसबो दी है मारने के बाद। वाओ डैमेज आपको लग रहा है भाई? क्या भाई, वो तो 6 लाख का ही डैमेज दे रहा था। गाइज डैमेज छोड़ो, वो 6 लाख का डैमेज नहीं दे रहा था। यहाँ पे ना मेरा वीडियो जाके पीछे बैक करके देखना, और उसमें जब वो 6 लाख का डैमेज दे रहा था ना, तो मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो रही थी ना, वो देखो भाई। भाई ऐसी जा रही थी ना हेल, मक्खन की तरह खत्म भाई, ऐसे काटे जा रहा था वो मेरी हेल्थ को भाई। बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला बॉस था ही वाला। और मेरे को कैसे पता चला पता है कि इसको मारने से सील मिलेगा? क्योंकि ना ये जो सील थी ना, उसका लोगो ध्यान से देखना, इस लोगो के ऊपर ना एक काइंड ऑफ जो ये अपना जो मॉन्स्टर था गाइज, जो भी एक रोबोट था ये जिसको हमने अभी मारा है, उसके भी सर के ऊपर सेम ऐसे ही सिम्बॉल बना हुआ था, ठीक है। तो मुझे गाइज थोड़ा सा शक हुआ कि भाई इसको मारने से गाइज वो सील तो नहीं मिलेगी, और मेरा शक अभी यहाँ पे यकीन में बदल चुका है, क्योंकि इसको मारने से हम लोग को वो जो सील थी ना गाइज वो मिल चुकी है। अभी फटाफट से जाके इस सील की जो ना गाइज हम लोग फार्मिंग कर लेते हैं, और जाके हमारे स्पाइडरसोरस बॉस को जो ना गाइज यहाँ पे टेम करके लाते हैं। ये बाकी अपनी खेती बाड़ी का क्या सीन चल रहा है भाई? खेती बाड़ी में मस्त भी उगे कि नहीं सब? हाँ भाई, बटाटे बिटाटे उग चुके हैं, और नींबू पींबू भी काफी ज्यादा उग चुके हैं, ठीक है। अपनी खेती बाड़ी ना एकदम मस्त पैकी चल रही है, जहाँ पे कोई सीन नहीं है। चलो अभी अपने मैग्मा सर को, भाई मैं इसको इसे चला के क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं टीपी भी तो मार सकता हूँ अपने घर पे यार, क्या बोलो यार जी भाई। भाई उतने दूर से उसको चला के लेके आ गया यार, मैं थोड़ा सा भाई पागल होते जा रहा हूँ टाइम के साथ साथ। चलो अभी घर पे चलते फटाफट से, और गाइस इस बॉस फाइट के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक थूक डालो गाइस, और जो भी नए बंदे हो गए सब्सक्राइब भी कर देना। अभी गाइस मैं क्या करूंगा बताए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्रॉप लोड के अंदर ये जो ओरिजिनल सीन है इसको डाल दो, हाँ ये एक का डबल हो जाएंगी, ठीक है। और हम लोग अभी इसकी मदद से जो ओल्ड था वो बना पाएंगे, जो कि रहा ये भाई ओल्ड। और इसको बनाने के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओरिजिनली पहले चाहिए, ओरिजिनली मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा ओरिजिनली बोले तो मिट चाहिए क्या तुम लोग को? अब 113 ही पड़ा हुआ, रुको इस मीट की भी फार्मिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये मीट जो है ना गाइज इसकी भी ज़रूरत हम लोग को पड़ती रहती है ना गाइज। ये ओरिजिनली यहाँ पे फार्म करने के लिए डालने दो मुझे, और इसका क्या सीन है, इसको टर्न ऑफ कर ले। हाँ भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा ये जो मीट है ना गाइज ब्लू वाला ये उठा लिया है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है ना गाइज इस मीट की है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उठा लिया। रुको फालतू का जो गाइज यहाँ पे मीट पड़ा हुआ है ना वो मैं यहाँ पे फेंक डालता हूँ, और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ें हैं ना गाइज वो हम लोग फार्म करने के लिए डाल देंगे। ओरिजिनली मेरे पास कुछ ओरिजिनल नहीं, ये मीट कुछ ज़्यादा ही आ चुका है, इसको थोड़ा सा फेंक दूँ, थोड़ा सा उठाऊँगा, ज़्यादा नहीं उठाऊँगा इस मीट को। बाप रे कितना उठा लिया फिर इसकी आग, बहुत ज़्यादा उठा लिया क्या? हिल नहीं रहा मैं अपनी जगह से गाइज, भाई हिल नहीं पा रहा फिर इसकी आग। कितना हैवी हो चुका हूँ, 9000 भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका हूँ। रुको मुझे अपने वेट को 6000 तक लेके आना पड़ेगा, तब जाके गाइज कहीं पर मैं चल पाऊँगा, ठीक है। 6000, हाँ बस हो गया नो प्रॉब्लम गाइज, ये लो भाई चल ले भाई, अभी भाई उड़ उड़ के चल। अरे यार मैं जेट पैक भी अपना यूज नहीं कर सकता, रुको इस मिट को ना जाके मैं स्मिथी में डाल देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग चल के रुको नीचे से थोड़े से वेजिटेबल्स लेके आने पड़ेंगे मुझे भाई, ठीक है वेजिटेबल्स लेके आने पड़ेंगे। रुको गाइज मैं सबसे पहले तो यहाँ पे जो मीट शीट है ना, अरे मीट नहीं नाम था उसका, उसका नाम क्या था वैसे भाई, जो भी नाम था लेजेंड जो है गाइज वो यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ भाई, ठीक है फटाफट से सारा का सारा लेजेंड यहाँ पे अंदर डाल देता हूँ। ऑल राइट लेट्स गो बॉयज, अभी फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, मुझे और बताओ कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे ओल्ड बनाने के लिए। सेव रूट, रेयर मशरूम, रेयर फ्लावर, ठीक है रुको रेयर मशरूम और रेयर फ्लावर तो हो जाएगा, बाकी बात रही गई सेव रूट की, बटाटा चाहिए क्या? बटाटा लेके आता हूँ गाइज, रुको भाई रुको भाई यहाँ पे ना बटाटा लेके आता हूँ, पहले तो ये सेव रूट इसके अंदर डालने, तो मुझे सेव रूट नहीं सॉरी ये जो रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम है ना वो इसके अंदर डाल देते भाई, ठीक है। उसके बाद जाके ना बटाटा भाई लेके आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, ये डाल दिया मैंने
इसके अंदर मस्त बेटी भाई, ठीक है। चलो 2000 मेडल बस हमारा खत्म हुआ है, मुझे ऊपर से मेडल भी फार्म करके लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा। रुको यहाँ से अभी थोड़े से बटाटे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये रहा बटाटे का प्लांट भाई, ये 101 बटाटा और ये और 104 बटाटे भाई, ठीक है। चलो लेट्स गो बॉयज, अभी जल्दी फटाफट से गाइस हमारे घर पे और ओल्ड जो है ना गाइस वो बना के जाके स्पाइनो को टेम करके लेके आते हैं भाई, ठीक है। फाइनली अपने पास वो स्पाइनो बॉस जो है ना गाइस वो आने वाला है भाई, ठीक है। ये बटाटे जो है वो यहाँ पे डालते भाई। हड्डियाँ कहाँ से मिली थी मेरे को पता नहीं भाई, हड्डियाँ कहाँ से मिली थी नो आइडिया भाई। चलो हम लोग को तो कैसे अभी जाके बस ओल्ड को टेम करके लेके आना है, ओल्ड को नहीं सॉरी स्पाइनो को टेम करके लेके आना है ओल्ड बना के। अरे ये भी बना सकता हूँ क्या मैं भाई, ये जो भी चीज़ है बना ले भाई। ओरैकल काइंड ऑफ कुछ नाम है इसका, मैं देखता हूँ ये ओरैकल जो ना किस चिड़िया का नाम है भाई यहाँ पे, ठीक है। किस खेत की मूली है भाई ये ओरैकल, हाँ ये ओल्ड ले ले पहले। अच्छा दो ओरैकल बना लिए मैंने, वाह भाई वाह। अच्छा अगर ये ओरैकल मैं कंज्यूम कर लेता हूँ तो क्या होगा, क्या हुआ प्ले मोड फ्यूरी वर्ल्ड भाई कुछ हुआ भाई इससे ओरैकल से, ये ओरैकल करता क्या है। ओरैकल क्लियर वेटिको वैल्यू विद इन 1 सेकंड, ये क्या चीज़ है, ये कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है। मैं भी नेगेटिव इफेक्ट रिमूव करने के लिए क्या, ये लग तो ऐसे ही रहा है। चलो अभी फटाक से चल के स्पाइनो को टेम कर लेते पहले, ठीक है। फटाक से गाइस ग्रीन ऑब्लिक पे हम लोग जो ना गाइस यहाँ पर टीपी मार रहे हैं और जाके स्पाइडो सर जी को टेम करके लेके आ जाएंगे भाई। अपना स्पाइडो जो है ना गाइस वो है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला, ठीक है। और इससे ना अभी हम लोग देखो अगले एपिसोड पे अभी बॉस फाइट मुझे उसी से करनी थी, उस रोबो से स्पाइनो वर्सेस वो रोबो करना था। बट यार वो रोबो को हम लोग ने हमारे मैग्मा सर से ही मार दिया, तो अभी स्पाइनो से ना बॉस फाइट अगले एपिसोड में नहीं होंगी, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस वाले कुछ बॉसेस को टेम करने के लिए जाने वाला हूँ, या कुछ डायनोस को टेम करने के लिए जाने वाला हूँ। कौन से डायनोस रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा गाइस बहुत ज़्यादा जल्दी। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको पहले टेम कर लेता हूँ भाई, ठीक है। भाई तेरी हेल्थ कितनी है बता मेरे को, स्पाइनो हेल्थ कितनी है भाई, 29 मिलियन भाई। मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, इसकी हेल्थ तो बॉस वाले वेरियंट की 1 बिलियन थी और इसकी 29 मिलियन। मुझे लग रहा है अगर मैं इसको लेवल अप करूँगा तो इसकी 1 बिलियन हेल्थ हो जाएगी भाई। ये 2 पैरों पर ही खड़ा हो रहा है, और इस भाई स्पाइनो को हम लोग जब भी बाहर निकाल रहे ना तो एक झरने की करके आवाज आ रही है भाई लाउडली, पता नहीं। और उसकी लेवल 89 है, वाह भाई वाह, मौज कर दी बेटे। ठीक है रुको, इसके अंदर इस स्पाइनो का सैडल डाल देता हूँ, कैसे लग रहा। ओह सैडल में दम तो है रे भाई, फुल करप्टेड वाला लग रहा है सैडल। अच्छा ये भाई अपने 2 पैरों पे ही खड़ा रहेगा भाई, 2 पैरों पे। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अभी गलती से कोई तो अटैक कर दिया मैंने, बाप रे भाई 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 गाइस यार ये काफी कूल लग रहा है रे स्पाइनो, सच में भाई देखना क्या कूल लग रहा है गाइस स्पाइनो भाई। इसका सैडल देखना ना, ये करप्टेड वाला काफी कूल लग रहा है यार। और उसके सर के ऊपर जो गाइस गोला उड़ रहा है ना, ये भी काफी खतरनाक लग रहा है। और ये जब चल रहा है ना, इसके पैरों के नीचे से देखो गाइस यहाँ पे पानी निकल रहा है भाई साहब, भाई पानी निकल रहा है जहाँ पे भी कदम रख रहा है, देखो एक पानी का फव्वारा उड़ रहा है गाइस हवा में, खतरनाक ब्रो खतरनाक। मेरे को बता अटैक कौन से तेरे पास, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे 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 ये क्या भाई, भाई फ्लैश पोशन पी लिया क्या एकदम फास्ट की भाई। हेलो स्पीड देखो भाई स्पीड, घर जाएगा भाई घर जाएगा डायनोस का, देखो भाई क्या मार रहा भाई कितनी स्पीड में। रुको रुको लेफ्ट क्लिक पे क्या कर रहा है, जोर से चिल्ला रहा है और बाप रे आसमान से भाई यहाँ पे पानी के गोले जमीन पे गिर रहे हैं भाई बड़े बड़े वाले, ठीक है। और सी पे क्या कर रहा है भाई, तो सी पे भी चिल्ला तो रहा है, और सी पे जब चिल्लाएगा तब, ओ सी पे जब चिल्ला रहा है ना गाइस ये, तो पानी के गोले नीचे गिर के ऐसे फव्वारों में क्रिएट हो रहे हैं ये देखो, और ये फव्वारे में जो भी आएगा वो भाई मर जाएगा भाई सीधा भाई, खतरनाक भाई खतरनाक। ये देखो चारों तरफ हम लोग ने यहाँ पे पानी के फव्वारे क्रिएट कर दिए यार, और जहाँ पे भी जा रहा हूँ भाई पत्थर वित्तर पेड़ पेड़ ऑटोमेटिकली उड़े जा रहे भाई भाई जलवाए तेरे भाई का गाइस भाई। स्पाइडो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, वो मुझे दूसरा अटैक बता भाई। एक्सपे क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कंट्रोल पे कुछ भी नहीं कर रहा, क्यू पे कुछ भी नहीं कर रहा, बस इतने अटैक है तेरे पास भाई। झूठ बोल रहा है, तुम मेरे को लग रहा है झूठ बोल रहा है भाई। इसके पास और अटैक होने चाहिए तो इसके पास और अटैक होंगे मेरे को लग रहा है, इसके पास और अटैक है भाई, समझ नहीं आ रहा कैसे बट है, कुछ तो अटैक होगा भाई इसके पास और नहीं क्या। अब ये क्या ओपन करते हैं मैंने गलती से, नहीं यार इसके पास वो वाला फिर अटैक कहाँ पे, पानी वाला
जिससे मेरे को कंटिन्यूस डैमेज पड़े जा रहा था बहुत ज़्यादा गंदा वाला, और जिसके कारण मेरा मैक मसूर मरने वाला था। भाई ठीक है चलो, मैं पहले इसके डैमेज में चेक करूँगा, पहले इसकी हेल्थ बढ़ा दो। भाई इसकी 1 बिलियन हेल्थ हो गई भाई, 1 बिलियन नहीं हुई, 100 मिलियन हुई लग रहा मेरे को। हाँ भाई 100 मिलियन हुई है भाई। और ये क्या पेनफुल बॉडी, ये कैसे चीज़ है भाई? पेनफुल बॉडी बफ मिला है 35,000 सेकेंड का। भाई ये कौन सा बफ है? तो भाई वो बफ भाई जाए तेल लगाने, पहले इसकी हेल्थ भाई थोड़ी बढ़ा ले। 200 मिलियन कर दूँ भाई, काम कर ले भाई इसकी हेल्थ। 200 नहीं भाई 400 मिलियन कर दूंगा, क्योंकि अभी भाई बड़े बड़े और ख़तरनाक से बॉसेस से हम लोग का सामना होने वाला है, और अगर मुझे उन बॉसेस को गाइस यहाँ पे हराना है, उनको पेलम पाल देना है, तो हम लोग को गाइस यहाँ पे जो है ना गाइस इस स्पाइनो को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ देनी पड़ेगी, ताकि गाइस ये स्पाइनो जल्दी मरे ना। और मुझे लग रहा है कि स्पाइनो का डैमेज हमारे पास जितने डायनोज है उनमें सबसे ज़्यादा जाने वाला है। बायोडेटा कितना जा रहा है भाई? कितना भाई? 6 मिलियन भाई। अबे 70, अरे बाप रे भाई, 71 मिलियन का डैमेज दे रहा है ये भाई। क्या मजाक कर रहे होगा तुम? अरे भाई भाई रुको 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 रुको, जरा सबर करो भाई। इसका डैमेज देखो भाई, लोग इसका डैमेज देखो भाई, घर जाएगा भाई, बहुत गंदा डैमेज दे रहा है भाई ये। रुको इसको क्राइव कर लूँ मैं, कोई ग्लिच बिच तो नहीं है ना? मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है भाई कि इसका इतना डैमेज जा रहा है। अरे यार बारिश भी इसी टाइम पे आने दी क्या? रुको कैसा, यहाँ पे बारिश जो है तो गायब होने दो, जाने दो, जैसे बारिश जाती है ना वैसे मैं अपने सबसे ज्यादा पावरफुल वाले डायनो का आपको जो है इस डैमेज दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, ये कौन चीज है भाई? चमक रही है इसकी आंख, बैंगलोर टैपो वाला है भाई। 300 मिलियन मिलते ना भाई, ये टैपो वाला का गेम बचाऊंगा मैं अपने भाई स्पाइनो से। रुको रुको देखो बस, जलवा देखो तुम्हारे भाई का। रुको A few moments later. Guys, बारिश का नामो निशान यहाँ से मिट चुका है, बारिश जा चुकी है, और अभी ना अपने स्पाइनो का डैमेज देखना गाइज। रुको सामने की तरफ ना मेरे को एक टैबू बिब्बू कुछ दिखाई दे रहा है, टैबू वाला डायनो दिखाई दे रहा है। रुक भाई भाई चिल्लाने वाला अटैक डाल भाई, मेरे को देखना है इसका 70 मिलियन डैमेज कौन सा अटैक का जा रहा है भाई। इसकी आग भाई आसमान से बम के गोले गिर गए, गोलों का डैमेज तो कुछ ना पड़ा भाई। शिवाला अटैक डाल, शिवाला अटैक डाल। हाँ शिवाला अटैक का पड़ रहा है क्या? पता नहीं भाई शिवाला अटैक का पड़ रहा है कि नहीं, समझ नहीं आ रहा मेरे को भाई। वो शिवाला अटैक तो उधर गिर गया भाई, इधर गिरना भाई, इधर गिरना इसके ऊपर। अबे यार इसके ऊपर ही नहीं गिर रहा भाई कुछ तो। ठीक है ठीक है, रुको रुको एक काम कर लेता हूँ मैं जो ना कि कंट्रोल CXWBB कुछ भी दबा देता हूँ, अभी वर्कर जाए। रुको भाई नहीं यार, हाँ ये वाला अटैक भाई, ये शिवाला भाई इसके ऊपर गिरना है, एंकलों के ऊपर भाई। इसके क्या एंकलो, इधर आ इधर आ, तू इधर आ टापू के बच्चे, इधर आ भाई, मेरे अटैक के अंदर आ, मेरे अटैक के अंदर आ, आ जा मेरे अटैक के अंदर, आ जा भाई। 70 मिलियन का डैमेज है, 70 मिलियन का घर जाएगा तेरा भेज गया आग भाई, डैमेज देना है 70 मिलियन भेज गया। मेरा भाई फुद्दू नहीं काटना तुम लोग, आ जा अटैक के अंदर। हाँ भाई कंटिन्यूस 71 मिलियन डैमेज पड़ रहा है। अरे मरा ये मरा, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया भेज गया। What the hell, dude? ठीक है भाई क्या हो गया भाई? टैप वालों के मारा तो भाई ऐसा गेम भाई लैग हो गया डायरेक्टली। क्या हो गया, कनेक्शन टाइम आउट क्या भाई? पहली बार किसी टैप को मारा है क्या मैंने भाई? नेट भी चला गया क्या मेरा? मेरा तो भाई वो टैप वाले को मारने के बाद डायरेक्टली कनेक्शन टाइम आउट हो गया कैसे यहाँ पे, पता नहीं कैसे भाई। मैं कुछ भी कंज्यूम विंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को देखने तो मेरा नेट बीट तो नहीं गया ना, क्योंकि वहाँ पे एक और भाई डायनो है जो मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। नेट तो कनेक्टेड है बाबा। रुको भाई ये कौन सा वाला डायनो है? अरे नॉर्मल डिप्लोडो कैसे, ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अच्छा टैबो वाला है क्या? अच्छा टैबो क्यों दिखाई दे रहा है इसके अंदर फिर भाई? पता नहीं यार गाइस, मेरे को लग रहा है कि अपना जो सर्वर है ना वो रिस्टार्ट पे जा चुका है गाइस। ठीक है हाँ भाई, मेरे हिसाब से अपना सर्वर रिस्टार्ट पे जा चुका है, और अभी मेरे को वापस से लोडिंग मॉड डाल के घुसना पड़ेगा। देखता हूँ, रुको गाइस कनेक्शन टाइम आउट होने तो उसके बाद स्पाइनो से और ज़्यादा तबाही मचाएंगे भाई। टैपू पीपू वाले को भाई मार पा रहे अपन लोग भाई इजीली, वो भी भाई मजाक हो रहा है क्या गाइस, मजाक हो रहा है क्या? रुको गाइस, और अपन को जो भाई रोपू मिला है ना उसको भी हम लोग टेम कर दे वाले भाई। ठीक है पहले स्पाइनो की जो ना गाइस यहाँ पे पावर तो देखने दो। यस मुझे लगा था कनेक्शन टाइम आउट हुआ भाई, सर्वर रिस्टार्ट हुआ है। रुको मैं फटाक से जो ना गाइस यहाँ पे वापस से सर्वर में घुसता हूँ, एंड उसके बाद स्पाइडो से और तबाही मचाते भाई। स्पाइडो एक नंबर है यार। ओह यस गाइस, हम लोग आ चुके वापस। चलो अभी ना
भाई स्पाइनो से ना उर्ग दर्राक वाले कुछ डायनोस को मारते भाई, ठीक है? ये स्पाइनो डालना अपना अटैक, उड़ाना भेज गया के एक को। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन वाला डायनो है भाई, ये कौन सा वाला डायनो है भाई? यहाँ पे 800 मिलियन आर्थोपोडियो, क्या अभी इस वाला है कह रहे तू? अभी इस वाला है तो क्या 800 मिलियन में बेटा घर जाएगा मेरा अगर उसका अटैक खतरनाक वाला होगा तो? थोड़ा संभल के भाई, लग तो रहा है कि उसका अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला है भाई। 800 मिलियन वाले से मैं सोच रहा हूँ पंगे ना लूँ या ले लूँ, क्या बोलती पब्लिक? ले लेता हूँ, रुको रुको, ये अभी इस वाले की भी बैंड बजाता हूँ। देख रहे हो 71 मिलियन का डैमेज पड़ रहा है यार अपना, बट इसका ना वो सीन है यार कि वो जो भाई डायनो है ना उसके भाई फव्वारों में ना भाई आके अटकना चाहिए। एक मिनट, मैं तो इसको इम्प्रिंट ही नहीं करा, ये गाइस ये रुको जरा सबर करो, मार इम्प्रिंट भाई को। ये भाई इम्प्रिंट क्यों नहीं हो रहा भाई, तू मेरे को बता इम्प्रिंट क्यों नहीं हो रहा भाई? चोमू बना रहा है ना तो अभी भाई फुद्दू काट रहा है मेरे को भाई, इम्प्रिंट नहीं हो रहा गाइस यहाँ पे। रुक जाओ, ऐसे थोड़े होते कि इम्प्रिंट नहीं होगा भाई। रुको गाइस, भाई इसको इम्प्रिंट कर लूँगा मैं फटाक से भाई। इम्प्रिंट हो जाएगा ना तो और भी ज़्यादा तगड़ा वाला डैमेज देगा। ले बेटा हो गया इम्प्रिंट भाई, ये हो गया इम्प्रिंट भाई। 485 मिलियन भाई इसकी हेल्थ हो चुकी है। और अभी देखो भाई हमारे स्पाइनो का डैमेज 1700 मिलियन का जाएगा भाई इसके। आप भाई इसके ऊपर सैडल लगा पहले भाई, 100 मिलियन का डैमेज भाई। बाय डेटा कितना जा रहा है बता? कुछ तो गड़बड़ दिया, कम हो गया क्या डैमेज? ये इम्प्रिंटिंग के बाद तो मेरा डैमेज कम हो गया रे। ए रुको गाइस, ए भाई रुको जरा सबर करो, ये क्या बदतमीजी है? ये कितना डैमेज आ रहा है मेरा रे? ए भाई कोई तो आ जाओ मेरे अटैक में भाई। 9 मिलियन हेल्थ भाई, भाई दूर से निकल ले भाई, दूर से निकल ले इस वाइब्रेन के भाई, भटकना भी नहीं इस वाइब्रेन के नज़दीक। ए भाई मेरे को बताओ ना मेरा डैमेज कितना जा रहा है? ये इम्प्रिंटिंग के बाद मेरा डैमेज कम हो गया क्या गाइस? हाँ भाई इम्प्रिंटिंग के बाद डैमेज कम हो गया क्या? कोई मरा क्या भाई? कितना मिलियन डैमेज पड़ा ये तो बताओ भाई। मेरे को लग रहा है मेरा डैमेज कम हो गया भाई, और मेरे फव्वारों में एक डायनो ना घुस रहा भेज गया। मैं कैसे चेकआउट करूँ मेरा डैमेज कितना जा रहा है बताओ भाई? भाई जो भाई हमारे फव्वार है उसमें डायनो नहीं कहीं कोई घुस रहा भाई। रुको यार इम्प्रिंटिंग के कारण मैंने बाढ़ तो नहीं बजा दी ना मेरे भाई डायनो की। रुको भाई कोई तो मर जाए मेरे से भाई, कोई तो मर जाए भाई किसी खतरनाक से भाई। हाई लेवल के डायनो को ना ऐसा बेड बना के मेरे फव्वारों के अंदर लेके आना पड़ेगा रुको, ताकि मैं अपना डैमेज चेकआउट कर सकूँ। अबे मर जाओ यार कोई तो मेरे फव्वारों से, यार कोई तो मर जाओ भेज के आप। अबे मेरे फव्वारों से मर जाओ भाई। हाँ 71 मिलियन का है अभी तक भाई, हाई 71 मिलियन ना। हाँ 47 मिलियन भी कुछ दिख रहा है मेरे को, बट 71 मिलियन का है डैमेज लग रहा है। मेरे हिसाब से ना मुझे इम्प्रिंट नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है मैंने इसको इम्प्रिंट कराना तो इसका डैमेज भाई ग्लिच हो गया। जो आगे जो भी डायनो टेम करूंगा ना मैं उन लोग को इम्प्रिंट नहीं करूंगा गाइस। भाई डैमेज भाई थोड़ा सा ग्लिच हो चुका है, और इसका डैमेज एक्चुअली में अभी कम पड़ रहा है भाई। यार जितना पहले डैमेज था ना उससे काफ़ी ज़्यादा कम डैमेज पड़ रहा है यार अपने स्पाइनो का। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, 400 मिलियन हेल्थ और 71 मिलियन डैमेज, क्या चाहिए जिंदगी में और बताओ? और क्या चाहिए जिंदगी में? तू कौन सा वाला है भाई डायनो? भाई 71 मिलियन का है, हे हे भाई हे 71 मिलियन का स्टील डैमेज गाइस हमारा यहाँ पे पड़ रहा है भाई। अभी तक का सबसे पावरफुल डायनो गाइस हम लोगों ने टेम करा है गाइस। इस पाइनो के लिए ना एक लाइक तो बनता है। ओल्ड ओल्ड के बच्चे चल पे शेमड़े बग भेज गया भाई। ओल्ड वाले डायनो को तो ऐसे मार रहा हूँ यार मैं भाई। मैं ना अभी आने वाले अगले वाले एपिसोड में ना कुछ ओल्ड वाले डायनोस को टेम भी करने वाला हूँ। ये टूडोरिक्स बॉक्स को टेम कर लूँ क्या? कितने लेवल है भाई? भाई पेल डाला उस बॉस को, मैंने अभी तक किसी भी बॉस को टेम नहीं करा है। ये गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज के इस एपिसोड उसको मार दूँ क्या अभी से भाई? भाई उल्टा मेरे को ना पेल डाले घर जाएगा मेरा वरना। ये भाई डरते क्या गाइस? गाइस आ जाओ भाई अभी इस वाले से फाइट लेते भाई, ट्रैकर डाल के रख दे बस इसके अंदर भाई, ठीक है भाई? भली जवानी में मेरा भाई स्पाइनो मारा ना जाए बिज गया तो, भरी जवानी में मारा ना जाए भाई, ठीक है भाई? भरी जवानी में मारा ना जाए भाई, ठीक है? संभल के रे, वो आरजी है भाई बहुत खतरनाक वाला एबिस वाला। हाँ लेके आ जाओ अपने स्पेशल अटैक में, लेके आओ उसको, लेके आओ स्पेशल अटैक में। बग जा भाई, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे को डैमेज दे यार।
भाई कोई डर लग रहा है थोड़ा सा भाई, बिलियन मेल थे उसका भाई, उसको तुझा भी डैमेज नहीं पड़ा यार भाई, रिजेन कर दिया लोग, ए भाग रे भाई, भाग जा भाई, एपिस वाले ने ऑटोमेटिक रिजेन कर लिया अपने आप को भाई, एपिस वाले बहुत खतरनाक है। ठीक है भाई, नहीं एपिस वाले से भी पकड़ ही लूंगा मैं, स्पाइडर को टेम करके ही जो ना गाइस काफी ज्यादा खुश हूँ भाई यार, खतरनाक स्पाइडर भाई। बाकी आप बताना गाइस आपको हमारा ये मॉन्स्टर स्पाइनो जिसका बाइट अटैक 9 मिलियन का है, और गाइस इसका स्पेशल पानी वाला अटैक जो है वो 71 मिलियन का है, तो ये आपको भाई मॉन्स्टर वाला जो स्पाइनो है ना गाइस ये कैसे लगा बताना। बाकी अगले वाले एपिसोड में एक और बॉस को जो ना गाइस हम लोग यहाँ पे टीम करने वाले, वैसे आज के इस एपिसोड में हम लोग ने गाइस एक बॉस को पेला, उसके बाद जाके हमारे स्पाइनो को टेम करा, और गाइस अभी अगले एपिसोड में उस बॉस को भी मैं टेम करूंगा, और उसके साथ साथ एक ओल्ड वाला डायनो जो है ना गाइस वो भी अगले वाले एपिसोड में मैं टेम करने वाला हूँ। तो अगला एपिसोड जो है ना गाइस वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी अगर आज का जो एपिसोड है अगर आपको पसंद आया होगा, और हमारा स्पाइनो जो कि काफी ज्यादा खतरनाक वाला है, अगर आपको पसंद आया होगा ना, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं सीधा तब से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल द वोल्व के आर्क ड्रैगन हंटर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय। एक मिनट गाइस, ये बाय बाय किधर बाय बाय, रुको मैंने आप लोग को एक प्रॉमिस करी थी, बात भूल गए गाइस ना आप लोग भूल गए ना, भूल गए ना गाइस आप लोग, ये क्या नाम था रे उसका, कैरेलिन अवेलेबल नहीं है क्या रे, ये उसका नाम भाई स्पेलिंग देखने दो मेरे को, मुझे लग रहा है कैरेलिन अवेलेबल नहीं है, मैंने बोला था गाइस आपको कि मैं यहाँ पे कैरेलिन को डेम करूँगा, CARELI भाई रुके रुको, कैरेलिन भाई, कैरेलिन मैडम जी है क्या, कैरेलिन अवेलेबल है ना, किधर है 2072, चल आ जा भाई इसके, आ जा भाई, चल के कैरेलिन को मार के उसको भी डेम करना है भाई, मैंने प्रॉमिस करा था कि हम लोग कैरेलिन को भी डेम करेंगे, रुको गाइस। A few moments later, ये भाई कैरेलिन को डेम करते करते ना हम लोग यहाँ पे अपने स्पाइनो का असली डैमेज भी देख लेंगे, चलो अच्छी बात है भाई। यहाँ पे मेरे को अचानक से याद आया कि मैंने आपको बोला था कि अगले एपिसोड में जो हमारा कैरेलिन बॉस मरा है उसको भी हम लोग टेम करने का काम करेंगे, बट मैं एक्चुअली में गाइस यहाँ पे भूल गया था गाइस, चलो कोई ना भाई लोग, हम लोग ना उस कैरेलिन को मारते, उसका टेमेबल वर्जन हासिल करते, उसके बाद घर पे चलते हैं, और जो गाइस उसका फूड है वो बनाते हैं, और मस्त भी कि भाई उसको टेम कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भाई लोकेशन इसी वाली एरिया की दिखा रही थी, 2072, थोड़ा सा और आगे भाई, थोड़ा संभल के, हाँ वो बहुत ज़्यादा गंदा वाला वो इफेक्ट विफेक्ट डाल देता है कैरेलिन भाई, ठीक है थोड़ा संभल के भाई, मेरे को लग रहा है यही पे भाई, रुको मेरे को भाई इसको पहले निकालने दो बाहर, अपने स्पाइनो को और कैरेलिन की पहले मैं बैंड बजा देता हूँ भाई, ठीक है कैरेलिन के बच्चे की ना बैंड बजा डालता हूँ, ये रहा अपना स्पाइनो, आए भाई अपना स्पाइनो किसी से कम है क्या भाई, पेटी बना डालूंगा पेटी, ये रहा कैरेलिन शेमड़े, क्या रे म्यूजिक बजा रहा है, म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी रे बाबा भाई, अरे भाई कैरेलिन क्या उखाड़ लेगा मेरा भाई, कैरेलिन क्या उखाड़ लेगा, चल बेटा हुई व्हाट, अबे क्या धोया है ऐसे मेरे को भाई, पिछले वाले एपिसोड में जब मैं लेके गया था ना कैरेलिन को स्पाइडर को मारने के लिए, ऐसे ही धोया था मेरे को सेम टू सेम, अबे क्या धोया है मैं मक्खन की तरह वो कैरेलिन को भाई, क्या धोया है मैं इसका, क्या बताऊं भाई मैं आपको भाई, बहुत गंदा वाला मारा यार, बहुत गंदा वाला मारा भाई यहाँ पे कैरेलिन को भाई, मजा आ गया यार भाई, कैरेलिन को ऐसा ले झापड़ 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 कर दिया भाई, ठीक है भाई इधर आ जा भाई, मैं कैरेलिन का भी भाई वर्जन भाई टेमेबल वाला बाहर निकालता हूँ, और उसको जो ना भाई गोले शोले मार के ना पिछवाड़े पे, अरे चलना, अरे उसकी आग भाई, हवा में उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज कर ली यार, और मेरे को हवा में चिप डाला भाई, ये तो भाई गलत बात है यार, हवा में चिप डाला मेरे को अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके कैरेलिन ने, कैरेलिन नॉटी है भाई साहब, पिछले वाले कैरेलिन ने ये वाला अटैक नहीं करा था इसलिए मैं बच गया था, ये वाले कैरेलिन ने भाई उस स्पेशल अटैक कर दिया और मेरी बैंड बच गई भाई, क्या ही बोले, चलो कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, अभी फिलहाल के लिए ना मुझे क्या कर लेना पता है, यहाँ पे एक इपिक बना लेना, इन्हें ओरिजिनली बनाना है ना मेरे हिसाब से, गाइस ओरिजिनली बना लेना है भाई, ठीक है ओरिजिनली बनाना, हाँ भाई ओरिजिनली बना लेना है, ओरिजिनली से मैं भाई कैरेलिन को डेम कर सकता हूँ भाई, ठीक है तो चल के उसको डेम कर लेते कैरेलिन को, और
मेरी सबसे कैरोलिन को मैंने भाई इतनी गोलियां मारी कि वो बेहोश हो चुका है शायद से, ठीक है। और भाई यहाँ पे एक बंदा बोल रहा था कि जो भी तुम भाई ये टेमेबल फूड बीड बनाते हो इसका भाई डुप्लीकेट बनाया करो। तो बन रहा है क्या डुप्लीकेट? हाँ बन रहा है, चलो 20 हो गया अपने पास। अभी वापस से अपन लोग को ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, लेकिन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यार काफी ज्यादा, इसलिए गाइस मैं ना इनको बनाऊंगा भाई थोड़ा सा ना भाई मॉड भाई ऐसे मतलब खेलने में मजा आना चाहिए ना गाइस, ठीक है। चलो अभी फटाफट से चलते गाइस उस लोकेशन पे जहाँ पे हम लोग ने कैरोलिन को जो ना गाइस स्पॉन करा था और उसको फटाफट से बेहोश करके ना टेम कर लेते यार यहाँ पे। ओरा भाई कैरोलिन, ओरा कैरोलिन भाई मुझे लगा आगे क्या गई पे, ये तो बेहोश पड़ा हुआ है गाइस, ठीक है। देख रहे हो गाइस एक गोली में बेहोश भाई। अभी अपने पास ऐसी क्रॉस बो आ चुकी है जो लगभग भाई 15 से 20 मिलियन तक का टॉरपुर दे रही है भाई, 15 से 20 मिलियन तक का। मजाक हो रहा है क्या भाई? ये ले भाई खा ले रहे, ओरिजिनली खा रहा है कि नहीं भाई? टेमल पर चाहिए क्या? ये ले खा ले, ठूस दे भाई। चलो ये भाई फेंक देता हूँ, अपन मेहनत से बनाएंगे अपने भाई, ठीक है। चलो लेट्स गो बॉयज। हमारे पास कैरोलिन सर जी जो हमारे पिछले वाले एपिसोड में मारे गए थे वो भी यहाँ पे वापस आ चुके हैं, प्लस हम लोग ने आज के इस वाले एपिसोड में जो ना गाइज टेम कर लिया हमारे खतरनाक एंड ओपी से जो ना गाइज स्पाइनो को। अरे भाई इसके उस स्पाइनो का नाम क्या था भाई? उस स्पाइनो तो गायब हो गया भाई, ये तो अपना कैरोलिन है और ये स्पाइनो। अच्छा बैलन एंड भाई, ठीक है बैलन एंड और कैरोलिन इन दो बॉसेस को टीम करने का काम जो ना गाइस आज के एपिसोड में तुम्हारे भाई ने कराया गाइस। तो गाइस एक लाइक तो बनता है फटाफट से अगर अभी तक आपने करा नहीं होगा तो, और सब्सक्राइब भी कर देना गाइस नीचे चैनल को अगर गाइस यहाँ पे अभी तक आपने करा नहीं होगा तो। तो चले गाइस इन्हीं बॉस टीमिंग के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और मिलते हैं सीधा ड्रैगन हंटर के अगले वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जाना गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर ना माय लिटिल एलिगेटर्स, बाय बाय। Late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.